अब दूसरी बात सुन लो, पीर साहब की सोहबत में बैठने से क्या फायदा, पीर से मुरीद क्यों होते हैं? देखो सर का दर्द है गुलबर्गा में होता, वेरी गुड, आप लोग घूर के देखो तो मेरे को टेंशन में या नहीं होता होगा, इसलिए पूछ लिया। कर्नाटक में भी होता, पूरे हिंदुस्तान में सर का दर्द, बाद लोगों को पैरों में घुटनों में दर्द होता, बाजों का दिल को थोड़ो थोड़ो बाज लोगों की किडनी सुकड़ जाते हैं, बाज लोगों को बुखार आता, यहाँ भी आता ना, आपको भी बुखार आया ना, वेरी गुड। देखो ये जाहिरी बीमारी है, क्या है ये बुखार, ये सर का दर्द, ये सर्दी, ये नज़ला, ये जुखाम, ये घुटनों का दर्द, ये सर का दर्द, ये जाहिरी बीमारी है। और ये बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास होता, कहाँ पे होता, जोर से बोलो, खबरदार आइंदा इनको उनको नहीं पूछना, आइंदा से गोली पांडब्बे पे नहीं पूछना, आइंदा से गोली जाके किसी इंजीनियर से नहीं पूछना, गोली सिर्फ डॉक्टर से पूछना। इसी तरह दीन का मसला हर दाढ़ी वाले से नहीं पूछना, अल्लाह वालों से पूछना, उलमाए इकराम से पूछना और मुबल्लिगाने हक से पूछना। बात समझ में आई? अब आओ प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों जरा गौर करो, ये जाहिरी बीमारी है, इसका इलाज डॉक्टर के पास होता, कहां होता, और डॉक्टर के पास जाना शीर्क, जोर से बोलो, शीर्क, बीमारी का देने वाला, जोर से बोलो, और सेहत का देने वाला, मगर डॉक्टर जरूरी है, बगैर डॉक्टर के अल्लाह शिफा नहीं देता। एक साहब बोले हार्ट अटैक आ रहा, ए अल्लाह ये छत फाड़ दे, सेहत उतार दे, तो बेगम बोली छत फाड़ के इज़राइल तो आ सकता, सेहत नहीं आती बोली। बात समझ में आई नहीं आई? सेहत लेने के लिए डॉक्टर के पास जाना, चाहे वो डॉक्टर का नाम रमेश रेड्डीज क्यों ना होगा, जाना और सेहत डॉक्टर से लेना कोई शीर, डॉक्टर से लेना शीर नहीं है। इसी तरह ये जाहिरी बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टर है, मुरीद क्यों बनते हैं सुनो, हमारे अंदर और भी थोड़े बीमारियां हैं, मालूम नहीं मालूम, सुनो मैं सुनाता हूं। एक बीमारी का नाम है हसद, क्या है, दूसरी बीमारी का नाम है कीना, तीसरी बीमारी का नाम है बुग्स, चौथी बीमारी का नाम है गाली गलौज, पांचवी बीमारी का नाम है गुनाह का शौक, छठवीं बीमारी का नाम है अल्लाह से दूरी, सातवीं बीमारी का नाम है अमल की बात सुन के कानों में उंगलियां रख लेना, बेजारगी पैदा होना, दीन की तरफ दिल ना लगना, नमाज पढ़ने से तबीयत उकसा जाना, जिक्र करने बैठे तो नींद आ जाना, कुरान को देखे तो मां तकलीफ होना, ये भी बीमारियां हैं। क्या है, गीबत सुने तो सुकून मिलना, चुगली करे तो खाना हजम होना, गाली दिए तो ठंडक पड़ना, ये भी एक बीमारी है। क्या है, जोर से बोलो, चलो आप इन बीमारियों का इलाज कौन से डॉक्टर के पास करेंगे? कोई डॉक्टर MBBS इसका इलाज कर सकता है? कोई MD इसका इलाज कर सकता है? कोई कार्डियोलॉजिस्ट इसका इलाज कर सकता है? प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों याद रखो, अगरचे के ये बीमारियां भी जिस्म में पाई जाती है, मगर इसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं करता, कोई तबीब नहीं करता, कोई हकीम नहीं करता, कोई मुफ्ती नहीं कर सकता, कोई आलिम नहीं कर सकता, इसका इलाज कोई इंजीनियर नहीं कर सकता, इसका इलाज बाप भी नहीं कर सकता, इसका इलाज औलाद भी नहीं कर सकती। आप पूछिए हजरत अगर ये बीमारियां है तो फिर इलाज कहां है? अल्लाह ने इसका इलाज पीर की बारगाह में रखा।
इसका इलाज खानखा में होता है। पीर साहब के पास आके बैठे तो पीर साहब सिखाते हैं गीबत नहीं करना, गीबत करने से सुलूक कैसे रुक जाते हैं, चुगली नहीं करना, चुगली करने से खुर्ब के दरवाजे कैसे बंद होते हैं, गाली गलौज नहीं देना ये करने से अल्लाह कैसे नाराज होता है। ये पीर मुत्तकी होता है, तक्वे वाला होता है, शरीयत का पाबंद होता है, तरीकत का इमाम होता है। जो जो मुरीद पीर की तालीमात पे अमल करता जाता है, दिलों से बुग्ज निकल जाता है, दिलों से हसद निकल जाती है, दिलों से शरारत निकल जाती है, दिलों से कीना निकल जाता है, दिल से गुनाह की ख्वाहिश निकल जाती है, और अब वो दिल अल्लाह से मोहब्बत करने लगता है, अल्लाह से प्यार करने लगता है, अब नमाज की दावत देने की जरूरत नहीं है। पीर ने दिल को ऐसे धोया कि उसे खुदा की मोहब्बत का गुस्ल करवा दिया है। अब नमाज की दावत नहीं दो, ये जिधर जिधर से गुजरता है सारी कौम अब नमाज पढ़ना शुरू कर देती है।